सभी मित्रों, मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 की महत्वपूर्ण संपूर्ण जानकारी पर आपसे बात करेंगे, इसकी महत्वपूर्ण विज्ञापन तिथियों पर बात करेंगे, साथ में विषयवार अर्थात प्रत्येक विषय के महाविद्यालय की सीटों की रिक्तियों पर बात करेंगे और उसकी योग्यता पर बात करेंगे, साथ में उम्र सीमा देखेंगे और आवेदन शुल्क क्या है इस पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कम से कम 3 फेसबुक ग्रुप और 3 व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें। तो आइए चलते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी को देखते और समझते हैं। सरकारी रिजल्ट के अनुसार इसका नाम है UPHESC अर्थात उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। यदि पोस्ट डेट इसका अर्थात अप्लाई कब से शुरू होगा तो 16 फरवरी 2021 से 1 बजे से इसका AM से शुरू हो जाएगा और पोस्ट अपडेट 16 फरवरी 2021 17 AM से शुरू होगा। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, यदि एजुकेशन सर्विस है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन एरिया इन्विजिटेड टू ऑनलाइन अप्लीकेशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर इन द वेरियस सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट 2021। तो इसका यदि डिटेल देखें तो आपको दिख रहा होगा अप्लीकेशन जो फॉर्म बिगेन होगा शुरू होगा वो आपको जो शुरू होगा प्रारंभ होगा वो 25 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट डेट होगा 26 मार्च को लास्ट डेट होगा। फीस पेमेंट जो है 26 मार्च को लास्ट डेट होगा। कंप्लीट फॉर्म डेट है 27 मार्च को है। एग्ज़ाम डेट 26 मई को निर्धारित किया गया है। और यदि अगर हम फीस की बात करें तो ये जो जनरल हैं या OBC हैं अथवा EDWS हैं उनकी फ़ीस लगेगी 2000 और जो SC ST है अथवा फिजिकल हैंडीकेप हैं उनकी फ़ीस लगेगी 1000। जो फीस पेमेंट होगा वो डेबिट कार्ड के माध्यम से होगा, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होगा, नेट बैंकिंग के माध्यम से इसकी फ़ीस आप पे कर सकते हैं। यदि और डिटेल यदि हम कुछ जानकारी लेना चाहें तो ये जानकारी इसमें दिया गया है। 25 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसमें जो लगने वाले हैं इसके एंड डॉक्यूमेंट्स कुछ लगेंगे देख लें आप। तो ये वाला देखिए, काइंडली रेडी स्कैन टू डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर फोटो सिग्नेचर ID प्रूफ ETC इत्यादि विभिन्न लगेंगे। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, टेक ए प्रिंट आउट द फाइनल सबमिटेड। आप एक फाइनल सबमिट का जो है एक प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके बाद यदि हम विषयवार इसका देखिए, आप विषयवार महाविद्यालय से जिसका रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं। यदि बुंदेलखंड महाविद्यालय में देखें तो यहाँ जो है बुंदेलखंड महाविद्यालय में झांसी में जो है वो निम्नलिखित है, आप देखें तो अर्थशास्त्र, सॉरी यह देखिए अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, BEd राजनीति शास्त्र, वाणिज्य विधि शिक्षा शास्त्र के आपके सामने जो है पद दिख रहे होंगे। EWS कितने हैं, इतने सारे हैं। उसके बाद इसी तरह विपिन बिहारी महाविद्यालय झांसी में भौतिक विज्ञान के एक पद हैं। आर्य कन्याष्णोत्तर महाविद्यालय झांसी के गृह विज्ञान के एक हैं, हिंदी के एक हैं इत्यादि। टोटल 00 रिक्तियाँ दिखा रहे हैं, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। देखिए अग्रसेन महाविद्यालय मुरानीपुर झांसी में संस्कृत की एक सीट है, वो भी जनरल की, और एक सीट GWS की है, EWS की हैं। और देखिए बाकी नहीं है। उसी तरह आप दयानंद वैदिक कॉलेज उरई का देख सकते हैं, इतने सारे कॉलेज आपके सामने धीरे धीरे हम स्लाइड सरकार हैं, आप देखे देखते जाइए। उरई कॉलेज में इतने हैं, संस्कृत जहाँ जहाँ आप उसको देखते रहिएगा, हम लोगों का मेन संस्कृत है। देखिए आपके सामने हैं वनस्पति उद्यान विभाग, कृषि विभाग,
कुल कृषि सांख्यिकी गणित पशुपालन दुग्ध विज्ञान इत्यादि हैं। फिर देखिए बीएड विभाग दो सीटें हैं, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बांदा में है, महाविद्यालय ललितपुर में है। ठीक है, देखिए ये जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बांदा में जो है संस्कृत का एक पोस्ट है, ये देखिए ये संस्कृत है, संस्कृत का एक पोस्ट है और जनरल का है, बाकी एक पोस्ट एससी का है। उसके बाद आगे आप आइए तो फिर से आप देखेंगे यह नेहरू महाविद्यालय ललितपुर में ये है, सामने है। उसके बाद दिग्विजय नाथ महाविद्यालय गोरखपुर का है, इसमें संस्कृत के कोई पद नहीं हैं। ठीक है, फिर महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर, यहाँ गणित है, पाणि विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है, पाणि विज्ञान, ये सब आपके सामने हैं। फिर उसके बाद यदि हम देखते जाएँ तो बापू डिग्री कॉलेज पीबीगंज गोरखपुर में एक संस्कृत का एक सीट है। देखिए ये संस्कृत आपको दिख रहा होगा, इस विद्यालय में संस्कृत की एक सीट है, जनरल की एक सीट है, ओबीसी की, बाकी सीटें नहीं हैं। आइए उसके बाद नेशनल स्नातोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर है, यहाँ आप देखें संस्कृत की कोई सीट नहीं है। फिर अंग्रेजी की सीटें हैं आपके सामने, उनवल गोरखपुर में देखिए हिंदी की सीट एक है, श्यामेश्वर डिग्री कॉलेज में, शिकरीगंज गोरखपुर में अर्थशास्त्र में है, जे बी महाजन डिग्री कॉलेज है, चौरी चौरा गोरखपुर में है। उसके बाद देखिए अब जहाँ संस्कृत का होगा वहाँ हम रुकेंगे, बाकी धीरे धीरे स्लाइड हम स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। फिर देखिए BRDPG कॉलेज देवरिया में एक संस्कृत की एक सीट है, देखिए संस्कृत की एक सीट आपको दिख रही होगी, ये संस्कृत की है, एक जनरल की है और एक जो सीट जो है एस सी की सीट है, बाकी नहीं है। आइए आगे संत विनोबा महाविद्यालय देवरिया में आप देख रहे होंगे सामने, और एक रामजी सहाय डिग्री कॉलेज रुद्रपुर देवरिया में एक सीट है, जनरल ये संस्कृत की है, सीटें संस्कृत की है, एक सीट जनरल की है और एक सीट EWS की है, बाकी नहीं है। आइए आगे आगे देखते हैं, आपको फिर दिख रहा होगा मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज देवरिया में भी संस्कृत की एक सीट, देखिए संस्कृत की सीटें हैं, ये देखिए ये सीटें हैं, एक जनरल की है, एक OBC की है, बाकी नहीं है। BRDPG कॉलेज आश्रम वरहज देवरिया, आपको दिख रहा होगा संस्कृत की एक सीटें हैं, संस्कृत की देखिए, संस्कृत के हम लोग दिए विशेष ध्यान दे रहे हैं, एक सीट है, बाकी नहीं है। श्याम देवरिया PG कॉलेज मठराल देवरिया में आप देख रहे होंगे, फिर जो है आप आगे ऐसे बढ़ते चले जाएं धीरे धीरे आगे देखते जाएं। फिर उदित नारायण PG कॉलेज बड़ रौना कुशीनगर की है, एक देश संस्कृत की सीट है, एक सीट है, एक OBC की सीट है, बाकी नई सीट है। आगे इसी भगवान महाविद्यालय कुशीनगर में है, फिर कुशीनगर में है, ऐसे आप देखते जाएं। महाराजगंज में भी कुछ संस्कृत की सीटें हैं, संत कबीर नगर में भी नई संस्कृत की सीटें हैं, फिर PGM महाविद्यालय बस्ती में है, संस्कृत की एक सीट है, बस्ती में आप देखिए, फिर बस्ती ज़िले का आप लोग बस्ती ज़िले का देख सकते हैं। फिर सिद्धार्थ नगर रतन सेन महाविद्यालय बांसी में है एक, फिर शिवपति महाविद्यालय सोहतरगढ़ में है संस्कृत की सीट, मेरठ कॉलेज में है, MM कॉलेज मेरठ में, इस्लामल नेशनल महिला PG कॉलेज मेरठ, और मेरठ का ये सीटें सारी चल रही हैं। आर्यकन्या PG कॉलेज हापुर का है, अब देख लें आप, गौतम बुद्ध नगर वाराणसी, देखिए आपके सामने स्लाइड हम
सरकार आप देख सकते हैं बलिया के चल रहा है, आजमगढ़ 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 बलिया 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 मऊ मिर्जापुर 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 चंदौली है, आगरा 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 मथुरा 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 फिरोजाबाद महाविद्यालय फिरोजाबाद मैनपुरी अलीगढ़ हाथरस एटा कासगंज बरेली बदायूं अमरोहा बिजनौर मुरादाबाद लखनऊ रायबरेली फिरोज गांधी में है, संस्कृत में एक कॉलेज है फिरोज गांधी में रायबरेली। बना रहे फिरोज गांधी में बलरामपुर में है, बहराइच अयोध्या में भी देखिए ढोंगे राम महाविद्यालय आप देख सकते हैं। अब हमारी सुल्तानपुर में संजय गांधी पीजी कॉलेज है, इन कानपुर में है, मेरठ में बुलंदशहर इत्यादि में। अब आप देखिए विषयवार भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए क्रम से आपको दिख रहा होगा, देखिए उद्यान विभाग उर्दू कीट पतंग ये सब देखिए आपको दिख रहा होगा। बीएड के स्कूल 87 सीटें हैं, अगर हम जनरल की देखें सॉरी हम केवल यदि संस्कृत की देखें ये आप देख लीजिए संस्कृत की देखिए ये संस्कृत 32 नंबर पे है, इसमें 56 टोटल सीटें हैं, ये 18 EWS टोटल 74 18 महिलाएं की पुरुष 56 की टोटल 74 सीटें संस्कृत में हैं। ये आपको पूरा आप देख लें स्लाइड में स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही, आपको निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा। शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब के लिए महादेव नारायण।